ओम शांति। बाप दादा मधुवन, आज के मधुर मूल्य 19/11/2024। मीठे बच्चे, तुम्हारी याद बहुत वंडरफुल है, क्योंकि तुम एक साथ ही बाप, टीचर और सदगुरु तीनों को याद करते हो। प्रश्न: किसी भी बच्चे को माया जब मगरूर बनाती है तो किस बात की डोंट केयर करते हैं? उत्तर: मगरूर बच्चे देह अभिमान में आकर मुरली को डोंट केयर करते हैं। कहावत है, ना चूहे को हल्दी की गांठ मिली, समझा मैं पंसारी हूँ। बहुत हैं जो मुरली पढ़ते ही नहीं, कह देते हैं हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। बाबा कहते, बच्चे मुरली में तो नई नई बातें निकलती हैं, इसलिए मुरली कभी मिस नहीं करना, इस पर बहुत अटेंशन रहे। ओम शांति। मीठे मीठे शिकलंधे बच्चों से रूहानी बाप पूछते हैं, यहाँ तुम बैठे हो किसकी याद में बैठे हो? बाप, शिक्षक, सदगुरु, सभी इन तीनों की याद में बैठे हैं। हर एक अपने से पूछे, यह सिर्फ यहाँ बैठे याद है या चलते फिरते याद रहती है? आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट: आत्मा को कभी ऐसे नहीं कहा जाता, भले ही लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक हैं, परंतु उनकी आत्मा को कभी ऐसे नहीं कहेंगे। दूसरी पॉइंट: यह बाबा, बाबा भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, सो भी सुप्रीम, तीनों को याद करते हो या एक को? तीसरी पॉइंट: बाप ही बैठ अपना परिचय देते हैं, फिर सारे चक्र का भी नॉलेज देते हैं। ऐसे यह युग है, इतने इतने वर्ष के हैं जो फिरते रहते हैं। चौथी पॉइंट: एक आत्मा ही, तीनों ही सर्विस इकट्ठी है, इसलिए उनको सुप्रीम कहा जाता है। पांचवी पॉइंट: हर एक आत्मा भगवान, बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, बताओ सृष्टि के याद मद अंत का नॉलेज है, यह तो कोई भी सुना ना सके। छठवीं पॉइंट: तुम बच्चों के अंदर में आना चाहिए, ऊंचते ऊंच बाप की कितनी महिमा है, वह सारे विश्व को पावन बनाने वाला है। सातवीं पॉइंट: रचना के आद मद अंत का नॉलेज देने के लिए मुख चाहिए ना, मुख की कितनी महिमा है, मनुष्य गौ मुख पर जाते हैं, कितना धक्का खाते हैं। आठवीं पॉइंट: ड्रामा में नोद है, सेकंड बाय सेकंड नई बात होती रहती है, चक्र फिरता रहता है, अब बाप बच्चों को डायरेक्शन तो बहुत अच्छे देते हैं। नवीं पॉइंट: तुम बच्चों को सदैव ज्ञान का स्मरण कर हर्षित रहना चाहिए, उसके लिए ही गायन है, अतेंद्रिय सुख गोप गोपकों से पूछो, यह संगम की ही बातें हैं। दसवीं पॉइंट: बाप कहते हैं, इस समय सब काम चिंता पर चढ़ काले कोयले बन पड़े हैं, तब सांवला कहा जाता है, कितनी गुही बातें समझने की हैं, गीता तो सब पढ़ते हैं। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य चार। पहली पॉइंट: विनाशी नशे को छोड़ अलौकिक नशा रहे कि हम अभी वर्थ नाट पैनी से वर्थ पाउंड बन रहे हैं, स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, हमारी पढ़ाई अनकामन है। दूसरी पॉइंट: आस्तिक बन बाप का शो करने वाली सर्विस करनी है, कभी भी मगरूर बन मुरली मिस नहीं करनी है। वरदान आज बाबा ने दिया, पवित्रता के फाउंडेशन द्वारा सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाली पूज आत्मा भव। बाबा ने स्पष्टीकरण किया, पवित्रता पूज बनाती है, पूज वही बनते हैं जो सदा श्रेष्ठ कर्म करते हैं, लेकिन पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, मनसा संकल्प में भी किसी के प्रति निगेटिव संकल्प उत्पन्न ना हो, बोल भी अर्थात ना हो,
संबंध संपर्क में भी फर्क ना हो, सबके साथ अच्छा एक जैसा संबंध हो, मनसा वाचा कर्मणा किसी में भी पवित्रता खंडित ना हो, तब कहेंगे पूज आत्मा, मैं परम पूज आत्मा हूँ। इस स्मृति से पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत बनाओ। स्लोगन आज बाबा ने दिया, सदा इसी अलौकिक नशे में रहो। वाह रे मैं तो मन और तन से नेचुरल खुशी की डांस करते रहेंगे। ओम शांति।